नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट संख्या अंतिम यूनिट का जो अंतिम चैप्टर है, यूनिट संख्या सेकंड का रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध में कोष प्रवाह विवरण के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से कोष का आवागमन होता है, जिसमें हमने बात की थी चेंज इन शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल की। उसके आधार पर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट और हम कैश कोष का प्रवाह स्टेटमेंट या फंड फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम इसी क्रम में आज हम रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखा मानक थर्ड के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। तो हम आज का हमारा टॉपिक है कि रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषता है और क्या उद्देश्य और महत्व है, और रोकड़ प्रवाह विवरण कोष प्रवाह विवरण में अंतर, रोकड़ प्रवाह विवरण आय प्रवाह विवरण में अंतर के बारे में हम संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आपके एग्जाम में फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक प्रैक्टिकल का प्रश्न आता ही आता है। कई बार अगर थ्योरी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम थ्योरी के प्रश्न की हम बात करें तो इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंतर की बात पूछ लेते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि काल्पनिक मदों के आधार पर किस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष या फिर रोकड़ का आवागमन होता है, जिसमें नकद से संबंधित क्रियाएं एक्टिविटीज़ में संचालित होती हैं, जिसमें तीन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। के आधार पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड पर हम कोष फंड फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कर सकते हैं। तो हम तीनों एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। उसके प्रारूप के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसी भी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोत व उपयोग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यह विवरण यह बताता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त हुई और इसके किस प्रकार के विभिन्न उपयोग किए गए हैं। लेखा मानक थर्ड के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु रोकड़ कोषों को लिया गया है, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और कैश इक्विलेंट से संबंधित मदों को इसमें शामिल किया गया है। अब रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत रोकड़ तुल्य से आसे अल्पकालीन तथा तुरंत तरल योग्य विभिन्न विनियोगों से लगाया जा गया है, जिसमें मूल्यों में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण की हम विशेषताओं की बात करें तो रोकड़ प्रवाह विवरण कोषों के आधार पर तैयार किया जाता है, फंड के आधार पर इसको, कोष के आधार पर इसको अपन तैयार कर सकते हैं। इस विवरण में रोकड़ कोषों का से कैश इन हैंड बैंक में मांग जमा राशि रोकड़ तुल्य से किया गया है। रोकड़ तुल्य योग्य संपत्तियां इस विवरण में अल्पकाल तथा तुरंत तरल योग्य विनियोगों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो अवधि में परिवर्तन रोकड़ प्रवाह विवरण में परिवर्तनों की जानकारी भी ये प्रदान कर सकता है। अब हम बात करें रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्यों की, तो रोकड़ प्रवाह विवरण में मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है कि विभिन्न वर्षों में रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण के द्वारा भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों या उपयोगों का क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो पूर्वानुमान में सहायक एक ये इसका उद्देश्य है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा वित्तीय नीति निर्धारण एवं
उनके समन्वय स्थापित करने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो ये भी एक रोकड़ प्रवाह विवरण में है, एक सहायता किसमें, समन्वय नीति में सहायता या वित्तीय नीति निर्धारण में सहायक। एक नीतियों के निर्धारण में भी रोकड़ प्रवाह विवरण का एक अहम उद्देश्य माना गया है। एक रोकड़ प्रवाह विवरण नकद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करता है और सहायक करता है। नकद में जो परिवर्तन होते हैं उनमें उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा बजट के मौलिक पूर्वानुमानों के आधार पर रोकड़ प्रवाह का क्रियान्वयन किया जाता है। तो हम बात करें अब रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व की, इनके उपयोगों की। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व में प्रथम है, रोकड़ के आवागमन को प्रकट करता है। किस प्रकार से रोकड़ के आवागमन हुआ, किस प्रकार से रोकड़ का क्रियान्वयन हुआ, एक आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक, ये किसकी इंपॉर्टेंट है, आंतरिक एवं वित्तीय प्रबंध में रोकड़ प्रवाह विवरण में यह सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। एक वित्तीय नीतियों के नियोजन व समन्वय में सहायक, नियोजन और समन्वय में सहायक। समन्वय में प्लानिंग में भी रोकड़ प्रवाह विवरण की अहम भूमिका या इम्पोर्टेंस रहती है। नियंत्रण में सहायक, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण में यह अहम भूमिका का ये निर्वहन करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस हैं। और भी विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंस हैं जिसमें अल्पकालीन निर्णय में सहायक है और पूर्वानुमान लगाने में सहायक है, प्रबंधकीय दक्षता का मापन करता है, पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाया जाता है, प्रबंधकीय दक्षता का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके इम्पोर्टेंस है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कैश फ्लो विवरण की जो सीमाएं हैं, ये तो हम महत्व के बारे में बात की, तो इसकी आज सीमाएं भी देख लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की कौन कौन सी सीमाएं हैं, जिसमें प्रथम है कोष प्रवाह विवरण सिर्फ कोषों का आवागमन एवं बहिर्गमन को प्रदर्शित करता है कि कैश में होने वाली गतिविधियां ही नकद में परिवर्तन होने वाली गतिविधियों का इसमें क्रियान्वयन किया जाता है। एक तो इसकी मुख्य यह समस्या है, एक कोष प्रवाह विवरण आय विवरण और रोकड़ बजट में स्थानापन्न नहीं होता है क्योंकि आय विवरण रोकड़ बजट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, तो ये भी है। तीसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण कोषों को परिभाषित करना एक कठिन कार्य माना गया है। तो इस प्रकार से हमने ये रोकड़ प्रवाह विवरण फंड फ्लो विवरण के बारे में हमने चर्चा की। तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण और फंड फ्लो में क्या क्या अंतर है, जिसमें पहला अंतर यही है रोकड़ प्रवाह विवरण का मुख्य उद्देश्य है इसके दौरान रोकड़ कोषों या स्रोतों का उपयोग प्रदर्शित करता है और कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी के उपयोगों को दर्शाता है। इसका जो आकार है ये कैश के रूप में है, ये विशेष सामग्री कार्यशील पूंजी है फंड फ्लो स्टेटमेंट की। रोकड़ प्रवाह विवरण का लेन देन रोकड़ के प्रभाव को देखते हैं, ये कार्यशील पूंजी के प्रभाव को देखा जाता है और लाभ हानि खाते की पद्धति के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। इसको लाभ हानि खाते पद्धति की तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए कार्यशील पूंजी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कार्यशील पूंजी शेड्यूल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम रोकड़ प्रवाह विवरण के रोकड़ तुल्य का प्रारंभिक अंतिम शेष को प्रदर्शित कर किया जाता है, इसमें प्रारंभिक अंतिम शेष को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रोकड़ प्रवाह विवरण और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम संक्षेप में हमने जानकारी प्राप्त की। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का कोष प्रवाह विवरण की तुलना में क्षेत्र संकुचित है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का कोष प्रवाह विवरण का एक अंग एक पार्ट माना जाता है। एक रोकड़ प्रवाह विवरण का शुद्धता रोकड़ स्थिति से लगाया जाता है, ये होना आवश्यक नहीं कि इसमें अंतर्वाह बहिर्गमन हो रहा है, जबकि कोष प्रवाह विवरण की शुद्धता कार्यशील पूंजी की शुद्धता से होता है। तो ये भी एक इसका महत्व है। एक रोकड़ प्रवाह विवरण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार तैयार किया जाता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट और
कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये इसके मुख्य अंतर हुए। तो हम इसी क्रम में अगले वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे कि कोष प्रवाह विवरणों का वर्गीकरण कौन कौन सा है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से कंटेंट को शामिल किया गया है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मुख्य जो प्रतिदिन दिनचर्या जो होने वाली गतिविधियाँ उनको शामिल करते हुए पढ़ेंगे, जिसमें रोकड़ से संबंधित कंटेंट लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो इन्वेस्ट में है, जैसे स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय के दौरान, और जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो शेयर